एक बात और आप सज्जनों के सामने फरमाइश रखी, गोरागणी शहीद कवि जाट मेहर सिंह की है। और हमारे बीच में बहुत सारे फौजी साथी फौजी भाई आए हुए हैं, और मारे गुरु जी का आग्रह में थोड़ा हंसना सहना भी थोड़ा जरूर चाहिए, क्योंकि बगैर हंसने से तो जीवन में घनी बीमारी के लागले है। हंसना बहुत जरूरी हो है। गणे मानस तुम्हारे गुरु जी का आग्रह मरे ही नहीं होगा हंसते को लिया, और एक दिन दूसरा हंसता ना हंसा लग गए बराबर मुको हंसता होगा ने क्यों खेर खेर कर रहा है। तो हंसना बहुत जरूरी हो है। हमारे बीच में फौजी साहब बैठे हैं और पुलिस के भी साथी हैं। बेल्ट की दो नौकरी फौज की और पुलिस की, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। पुलिस वाला चाहे अपने काम का हो, चाहे दूसरे पन्ने का हो, पड़ोसी और चाहे कभी घर का हो, तड़के मानस सुत्या उठेगा पुलिस वाले के दर्शन हो जाए माथा पीटेगा। अगर यार क्या के दर्शन हो गए बेराना सर सारा दिन के ऊपर कटेगा। सारे तो एक से ना आकर दे मैं भी भगवान भी बते रहे हैं। आज हमारे बीच में मोखरा गांव से आ रहे हैं ये औलदार साहब, अभी नाम भी दिया और बड़ा सम्मान भी कर रहे हैं कलाकारों का। तो सारे तो एक से ना आया करते, और फौजी चाहे घर का ना हो, गांव का ना हो, गुआंड का, जिले का, अपना स्टेट का भी ना हो, चाहे दूसरे राज्य का हो, फौजी ड्रेस में कांधा बिस्तरा दिख जाए फौजी का, आत्मा ने शांति मिलेगी। भारतमा का सच्चा वीर सपूत है, रक्षा करते हैं भारतमा की। तो एक बार तो नमन करते हैं उन महान शहीदों को जिन्होंने अपने बलिदान और कुर्बानियों से भारतमा की गुलामी की बेड़ियां काट के और हम सबको आजादी दिलाई। सच सच नमन है उन भारतमा के वीर सपूतों को। आप और हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ हैं, लेकिन उनसे जाकर पूछो जो 12 महीने सरद पे गर्मी सर्दी चमासा सबके मुंह के ऊपर वो उतरे हैं और निस्वार्थ भाव से वो भारत माँ की सेवा करें। तो धन है वो जननी जिन्हें ऐसे वीर सपूतों को जन्म देके और भारत माँ की रक्षा के लिए वहां पर भेज दिया। लेकिन कई बार ये फौजी भी बड़े रंग ले हो रहे। एक बार एक फौजी तड़ गए उठा और जाक अपने सामने सलूट मारी, जय जनाब। कहा हाँ भाई ये जवान, बोला जी बहुत मुसीबत होगी के अगर तक फोन आया है के बात भाई अगर अली सख्त बीमार है जी, एक महीने की छुट्टी चाहिए। ने बोला ना भाई छुट्टी तो सबकी कैंसिल कर दी और जो जा रहे थे उन्हें भी वापस बुलाने लग रही। हाँ क्योंकि खुफिया एजेंसी से पता लग गया भाई दुश्मन किसे टाइम भी अटैक कर सका है, सबकी छुट्टी कैंसिल। ने बोला ना जी छुट्टी देनी पड़ेगी। ने बोला ना नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। ने बोला जी चाहे 20 दिन की दे दो देनी पड़ेगी। गाड़ी सख्त बीमार है जब मर गई तो फिर बॉर्डर जगह मेरे दौर फिर कुछ ना है। जिद कर ली फौजी ने। ने बोला फिर एक बात इंक्वायरी करूंगा, अगर वाक्य में तेरी गाड़ी बीमार होगी तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। मिला न्यू बोला जी कर लो इंक्वायरी। इवन्यू कहकर अपना लुटा फिर खा के रोटी अपना फिर लौट गया। तड़के उठा नहाया धोया ड्रेस लाई वर्दी पहरी और बड़ा राज्य आजादी छुट्टी मिलेगी। फिर जाके सलूट मारी जय जनाब। कहेगा हाँ भाई जवान। बोला जी करो छुट्टी के लिए आपसे बोल रहा था अपने को थे इंक्वायरी करूंगा, कर ली होगी इंक्वायरी। ने बोला हाँ कर ली तू तो बहुत झूठा। बोला जी क्यों? क्योंकि मैंने तेरे घर फोन कराया। बोला जी फिर के फोन था तेरे घर वाली ने और मैंने पूछा जी इस तरह जवान नुके है गाड़ी बीमार है क्या आप बीमार हो? बोला जी फिर के वहां नाइट की। बोला जी के बोली आगे? बोली जी मारे तो ना मैं बीमार ना कर मर पड़ोस में भी कोई बीमार नहीं और बोला छुट्टी ना दे दिए बहुत दुखी रखे और बाजा तेरी छुट्टी कैंसिल। ये फौजी ने शर्म मारिया ने बोला साहब झूठे तो बहुत देखे थे पर तेरा तो बड़ा झूठा है। बोला क्यों? क्योंकि बोला जब मेरा ब्याह ना हो रहा बाप ने तेरी बुआ तो कर ली। तो ये फौजी अपना न्यू भी टाइम पास कर ले आज बोल के बेचारे, लेकिन महात्मा का सच्चा वीर सिपाही है। इन्हीं के बलिदान और कुर्बानियों से आप और हम आजादी की खुली हवा में जी रहे हैं। तो नमन करते हैं महान शहीदों को। शहीद कवि जाट मेहर सिंह की एक रागनी, जैसा कि हमारे जोगिंदर भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं बताया कि टिकटॉक पर सारा यह रागनी चली और बड़ी फेमस हुई। जिस समय अंजना और उसकी सखियां बागों में घूमने फिरने के लिए चली जाती हैं और उन्हीं बागों में एक सौदागर आया हुआ था जो फोटो बनाने और बेचने का काम करता था। जब वो घूम फिर कर सखी घर चलने की तैयारी करी देखा कि पेड़ के नीचे सौदा कर लेता हुआ पास में थैला जिसमें बहुत सारे फोटो थे और थैला खोल के
अंजना ने फोटो निकाले और एक एक करके देखना शुरू कर देती है। जब पवन रूप का फोटो आया बहुत देर तक देखती रही है और सख्स से पूछा सकियो आयु किसका फोटो है, त्रिपुरी विवेक रतनपुरी के पवन रूप का फोटो है। क्यों विवेक, मेरा दिल चाहता कि इसके साथ शादी करूं। नु बोलिया के देश पानी का भर गया, शादी करनी है तो अपने बाप ने कहकर जोड़ी मिलवा ले। पवन गल शादी होगी तो सारी जिंदगी भांग के पहाड़ जागी, तू तो इसी जैसे पड़वासी का चांद खेलिया और पवन काला कलूता तेरी जोड़ी के लायक नहीं। तो एक बात में सारी सखी मिलकर अंगना को समझाती है, नु बोलिया इतनी बढ़िया बात पढ़ी लिखी तू कदे तम न बताया करती, पर पवन भूप का फोटो देख के एक जिद करिए कि ब्याह करूंगी तो इसके साथ। तेरे गैल रही पटी लगी साथ में न्यू तू खावा के तन्ने को काली होगी तो हमने बड़ा दुखा होगा। तो सारी सखियां मिलके अंगना को समझाती हैं और एक बात में क्या कहती है, वो रागड़ी पर खुश होकर 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। कैप्टन सतपाल जी नरवाल बहुत सारा नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित सज्जन मान थोड़ा नाम नहीं बता के अपना 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार चौधरी इंद्रजीत जी 100 रुपए से मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है।
धन्यवाद। क्या बताया दूसरी गली में, पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। शहीद कवि जाट महेश सिंह समिति 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। चौधरी शमशेर सिंह जी मलिक साहब छिछड़ाना गांव से शहीद कवि जाट महेश सिंह की रागणी पर खुश होकर 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। भाई प्रवीण जून नेवी में है, भाई फौजी जो आज के इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं वो भी केरल है, 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। और ये छोटा बच्चा चिकू जो अभी 100 रुपए पहले दिए थे, 100 रुपए और चिकू टोकस, लेकिन भाई गलती मन की 100 रुपए देकर अंकल जी यार रागनी गानी थी मन, कोई बात ना बेटा तू भी गा दिए, क्योंकि जाट में सिंह की रागनी तो खांड की रोटी है, कोट दब खा ले उतनी मीठी लागेंगी, तेरी भी सुनानी। तो 200 रुपए बच्चे ने मान सम्मान किया, भगवान अपने जीवन में पुत्र कृति दे, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। चौधरी करतार सिंह जी हुड्डा 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। क्या लिखा थी दुखिया मन भी मिलके दुखता दफा जोड़ो।
बादली गांव से भाई जसवीर सिंह जी जो बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, 100 रुपए पहले, 100 रुपए और 200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई जसवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। चौथी कली में समझाया सखियों ने कि बेबे अगर शादी करनी है तो अपने बाप से मिलकर अपनी जोट मिलवा ले, और बाप ने भी कह दिया कि जोट मिला दे ना तो देखे कोई सा जात टकरावेगा, तेरे सिर पर जवारा होगा, जेठ का महीना तले तक आता रेत, और जब जवारे नवार होगी साडा खाल तारी जाएगी। आगे भी ध्यान रखिए क्या कहा चौथी गली में, क्या किया बना टूट जा, दो कोसी पाता मैं।